प्यारे बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम व्युत्पन्न मात्रक के विषय में जानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जिनको मूल राशियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वो राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न, उत्पन्न की हुई व्युत्पन्न राशि कहलाती है, तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों एवं उनके उदाहरण को हम देखें, नीचे बता रहे हैं, हमने स्क्रीन पर डाल रखा है। देखिए, जैसे मान लीजिए आयतन है, तो आयतन क्या होता है? आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आयतन का मात्रक क्या होगा? लंबाई काहे में नापेंगे हम? मीटर में। गुणा चौड़ाई काहे में नापेंगे? मीटर में। गुणा ऊंचाई काहे में नापेंगे? मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, क्या मतलब हुआ? मीटर की घात 3। तो आयतन का जो मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर की घात 3। इसी प्रकार से घनत्व क्या लिखते हैं? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और आयतन का हम अभी ऊपर निकाल चुके हैं, घन की मीटर की घात 3। तो इसे हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम प्रति घन मीटर, या किलोग्राम मीटर की घात -3, क्योंकि प्रति का निशान हटाने के लिए हम मीटर की घात 3 को प्लस की नीचे थी, ऊपर जाके ये माइनस की हो गई। तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम और मीटर की घात -3। इसी प्रकार से वेग का मात्रक, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या? वेग का मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर और सेकंड की घात -1। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन यानी वेग का मात्रक चाहिए हमें, क्या है? मीटर प्रति सेकंड और फिर बटे में सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, दो जगह हो जाएगा, नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको एक ही लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर और सेकंड की घात -2। ऐसे ही हम बल का मात्रक लिख सकते हैं। बल क्या होता? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या बताया हमने आपको? मीटर, उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर और सेकंड की घात -2। तो क्या लिख देंगे? किलोग्राम मीटर और सेकंड की घात -2। ये हमारा बल का मात्रक होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन। किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, इसको मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूटन। ये एक वैज्ञानिक के नाम पर है। अब लंबाई के कुछ और मात्रक हैं, कुछ छोटे मात्रक हैं और कुछ बहुत बड़े मात्रक हैं। जैसे लंबाई के छोटे मात्रकों में सेंटीमीटर, एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसे 1 सेमी से व्यक्त करते हैं, और क्या लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेमी, या 1/100 मीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, अथवा 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। ऐसे होता मिलीमीटर। तो 1 मिली, 1 मानक मीटर के 1000वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, या 10 की घात -3 मीटर। या हम ये कहते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, या 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की घात -10 की घात 3 मिलीमीटर, या 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब आता माइक्रोन। देखिए, माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है, यानी 1 माइक्रोन मीटर के 10 लाखवें भाग को कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर, या 10 की घात -6 मीटर, या 1 मीटर में बराबर कितने होते हैं? 10 की घात 6 माइक्रोन। ये लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है, जिसका उपयोग जीवाणुओं के आकार नापने में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी
चीजें विषाणु जीवाणु के आकार नापने के लिए इस मात्रक का प्रयोग विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद एक और छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम, जिससे तरंग दैर्ध्य वगैरह नापी जाती हैं। तो 1 माइक्रोन का 10,000वें भाग को 1 मीटर के 10 अरबवें भाग, या तो 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग या 1 मीटर का 10 अरबवां भाग एक अंगस्ट्रम होता है। इसे ए पर एक पॉइंट लगाकर, गोल बिंदी लगाकर, जीरो बना करके दर्शाते हैं। और एक अंगस्ट्रम बराबर होता है 1/10,000 माइक्रोन, या 10^-4 माइक्रोन, या ये कहेंगे 10^-10 मीटर, या 1 मीटर बराबर 10^10 एंगस्ट्रॉम। ये लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है जिसका उपयोग परमाणुओं के आकार, रेडियो एवं प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने में किया जाता है। आता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होते हैं। एक्स यूनिट या एक्स मात्रक, ये कहलाता है 10^-14 मीटर। एक फर्मी या फेमटोमीटर 10^-15 मीटर। लंबाई के बड़े मात्रक भी होते हैं कुछ, जैसे किलोमीटर। 1 मानक मीटर से 1,000 गुना दूरी को 1 किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। दूसरा एक मात्रक जो प्राचीन काल में चलता था, मील। 1 मील 1 मानक मीटर से 1,604 गुना दूरी का होता है, यानी 1 मील में 1,604 मीटर होते हैं। 1 मील बराबर 1,604 मीटर। खगोलीय मात्रक, सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक एयू के द्वारा नापा जाता है, उसे एयू कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक एयू बराबर 1,4960×10^11 मीटर। अब आता है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा 1 वर्ष में कुल सेकंड। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3×10^8, और 1 वर्ष में सेकंड कितने होंगे। देखिए, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको गुणा कर लिया हमने तो कितना आएगा, 9,9,46×10^15 मीटर। आज के पीरियड में बस इतना ही, और कल कुछ और टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।